अगर आप बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं और आपके ऊपर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाय आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब डाउन बिलो एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे 15 टिप्स जो आपकी लाइफ बदल देंगे। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, आपके ऊपर कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता है, आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग फेस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। आज मैं ऐसे 15 टिप्स शेयर करने वाली हूँ उन स्किनी गर्ल्स के लिए कि उन्हें कौन से फैब्रिक अवॉइड करने हैं, कौन से स्टाइलिंग टिप्स उनको ध्यान में रखने हैं जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा लुक अचीव कर पाएंगे, यानी वो बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं लगेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखें और सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें, एक पेन कॉपी लेके आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ स्किनी लड़कियों के बारे में। तो स्किनी बॉडी जिसकी होती है वो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होती है, यानी उनके शोल्डर और हिप्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल रूलर की तरह होती है, यानी उनमें कोई कर्व्स नहीं होते हैं। तो आज मैं ऐसे टिप्स बताऊँगी जिसकी वजह से हम अपने बॉडी में थोड़ा कर्व्स ऐड कर सकते हैं, अपने शोल्डर और हिप्स को थोड़ा वाइड दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं लगेंगे, थोड़ा हेल्दी लगेंगे और अच्छे भी लगेंगे, और हम सारी ड्रेसेस भी अच्छी लगेगी। आप बिंदास होकर कुछ भी पहन सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो, बस आप थोड़ी सी ये चीज़ें अवॉइड करें, कुछ ऐसे टिप्स ध्यान में रखें। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ ड्रेस फैब्रिक की। यस, अगर आप कुर्ती बुटीक से बनवा रही हैं या फिर आप मार्केट से रेडीमेड भी कोई टॉप ले रही हैं या फिर कोई ड्रेस ले रही हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। तो आपको कुछ ऐसे ड्रेस मटेरियल अवॉइड करने हैं, कुछ ऐसे फैब्रिक अवॉइड करने हैं, जैसे आपको अवॉइड करना है जॉर्जेट, शिफॉन और क्रेप। ये सारे बॉडी में आपके चिपक के आते हैं सारे फैब्रिक और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्किनी दिखाते हैं। आपको कुछ ऐसे फैब्रिक की चीज़ें लेनी हैं, टॉप्स लेनी है, कुर्ती लेनी है, जिसकी वजह से आप थोड़ा फुलर लुक अचीव कर पाएँ, यानी आपको हमेशा कॉटन के लेने हैं या फिर आप सिल्क के ले सकते हैं। यस, आप सिल्क पहन सकते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा फुलर लुक अचीव होता है, हमारी बॉडी में थोड़ा कर्व्स ऐड हो जाते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम ऐसे 15 टिप्स के बारे में आज बात करेंगे। सो माई टिप नंबर 1 कि आपको हमेशा लाइट कलर के ड्रेसेस पहनने हैं, आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर की ड्रेसेस नहीं पहननी है। डार्क कलर से हमारी बॉडी के कर्व्स नहीं दिखते हैं, हमारी शोल्डर और हिप्स बिल्कुल भी उसमें पता नहीं चलते हैं और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्किनी दिखने लगती है। तो आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं तो आपको हमेशा अवॉइड करना है डार्क कलर की ड्रेसेस। आप हमेशा टॉप भी लें या कुर्ता लें या सूट बनवाएं तो हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा लाइट कलर में बनवाएं, ब्राइट कलर में, जिसकी वजह से आपकी थोड़ा लुक इन्हांस हो जाए, आपकी बॉडी थोड़ा फुलर लगे। तो मेरी टिप नंबर 2 है कि आपको कभी भी चूड़ीदार सलवार नहीं बनवानी है या बहुत ज़्यादा चिपकी हुई पैंट नहीं बनवानी है, आपको हमेशा हैवी सलवार बनवानी है। अगर आप सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि सलवार सूट बनवाएं। अगर आप कुर्ते पहनते हैं तो कुर्ते के साथ आपको हमेशा प्लाज़ो कैरी करना है, आपको पैंट्स और आपको चूड़ीदार तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है, उसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली लगने लगती है। अगर आप ऑलरेडी पतली हैं तो बहुत ज़्यादा स्किनी लगने लगती हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप हमेशा घेरदार सलवार बनवा सकती हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा फुलर लुक आएगा, आप थोड़ा हेल्दी लगेंगे, आप पे सारी ड्रेसेस भी अच्छी लगेंगी। तो आप अगर सलवार कुर्ता पहनना पसंद करती हैं तो आप हमेशा घेरदार ही सलवार सिलवाएं। तो मेरी टिप नंबर 3 है कि आप हमेशा स्लीवलेस कुर्ते या फिर टॉप्स पहन सकती हैं। इनफैक्ट अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, आप स्लीवलेस टॉप में, स्लीवलेस कुर्ते में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप फुल आस्तीन की बनवा सकती हैं, बट आपको कभी भी हाफ आस्तीन की नहीं बनवानी है। हाफ़ स्लीव्स की आपको कभी टॉप नहीं पहनना है, जिसकी अगर आप पहनेंगे तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा पतले लगेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्किनी लगेंगी। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप हमेशा या तो फुल स्लीव्स का बनवाएं या तो स्लीवलेस बनवाएं, जिसकी वजह से आपके हाथ थोड़ा वाइड लगें और आपके शोल्डर वाइड लगें, आप थोड़ा अच्छे लगें, आप बहुत ज़्यादा स्किनी ना लगें। अगर आप फुल स्लीव्स की बनवा रही हैं, कुर्ता बनवा रही हैं, तो आप नेट फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ भी थोड़ा दिखेंगी और थोड़ा वाइड भी लगेंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो मेरी टिप नंबर 4 कि आप कुर्ते के साथ कैरी कर सकती हैं कोटी। यस, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इनफैक्ट बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़
सारीज इसको कैरी करते हैं। आप कुर्ते के साथ अगर कोई भी सलवार सूट बनवा रही हैं उसके साथ अगर आप कोटी कैरी करती हैं तो आपके ब्रेस्ट थोड़ा फुलर लगते हैं, आपकी शोल्डर थोड़ा वाइड लगती हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा हेल्दी लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं लगते हैं। तो ऑल गर्ल्स जो भी सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं या फिर अगर आप टॉप पहन रही हैं तो आप श्रग डाल सकती हैं। यस, आजकल हाफ श्रग्स भी आते हैं तो आप हाफ श्रग डाल सकती हैं। और अगर आप कुर्ता पहन रही हैं तो उसमें अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी वाली शॉर्ट कुर्ती बनवा सकती हैं, कोटी बनवा सकती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और आपको थोड़ा फुलर लुक भी देता है। सो मेरी टिप नंबर 5 है, जो भी गर्ल्स पहनती हैं अनारकली और बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें कि घेर वाली अनारकली सिलवाएं, खूब सारा उसमें घेर हो। कोई भी कुर्ते सलवार सूट आप पहन रही हैं तो उसमें कोशिश करिए कि थोड़ा घेर, आप घेर वाली कुर्ते बनवाएं, जिससे आपको थोड़ा फुलर लुक अचीव होता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कुर्ते अवॉइड करें, स्ट्रेट कुर्ते से आपको बहुत ज़्यादा लुक स्किनी हो जाएगा। आप अगर पतले ऑलरेडी हैं तो और ज़्यादा पतले लगने लगेंगे। तो आप हमेशा घेरदार कपड़े पहनना शुरू करिए। अगर आप पार्टी में जा रही हैं तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप फ्रॉक सूट अनारकली पहन के जाएँ, उससे आपका लुक भी फुलर लगता है, आप बिल्कुल भी स्किनी नहीं लगते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा फुलर लुक आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा हेल्दी से लगने लगते हैं। तो मेरी टिप नंबर 6 है कि अगर आप कुर्ते या टॉप पहन रही हैं तो आजकल पेपलिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप पेपलिन कुर्ते और पेपलिन टॉप पहन सकती हैं। आजकल इस तरीके की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा मार्केट में हैं, बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हैं और बहुत सारी गर्ल्स इन्हें कैरी भी करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पतली हैं, बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, वो इस तरीके के अगर पेपलिन ड्रेसेस डालेंगी तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लुक अचीव कर पाएंगी, थोड़ा फुलर बॉडी लगेगी, थोड़ा कर्व्स ऐड हो जाएंगे और आपके शोल्डर और आपके जो है बॉटम थोड़ा ब्रॉड लगेगा और आप बहुत ज़्यादा फुलर लगेंगी, आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दुबली पतली नहीं लगेंगी। तो अगर आप दुबली पतली हैं तो आप इस तरीके के टॉप, इस तरीके के कुर्ते बनवाएं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मेरी टिप नंबर 7 उन लड़कियों के लिए है जो डेनिम पहनना पसंद करती हैं, यानी जीन्स। तो बहुत ज़्यादा स्किनी जो लड़कियाँ होती हैं उनको हमेशा डार्क कलर के जीन्स यानी डेनिम अवॉइड करने हैं, उन्हें हमेशा लाइट कलर यूज़ करना है, लाइक लाइट ब्लू, ऐसे कलर्स आप यूज़ करेंगे जीन्स में तो आपके पैर थोड़ा हेल्दी लगेंगे, आपके पैर बहुत ज़्यादा चिपक के नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं लगेंगे। तो आप हमेशा ब्लैक, डार्क ग्रे या फिर आप डार्क ब्लू कलर की जीन्स अवॉइड करिए, आप हमेशा लाइट कलर की जीन्स कैरी करिए, जिसकी वजह से आपके पैर थोड़ा हेल्दी लगते हैं, आपका लुक भी थोड़ा अच्छा अचीव होता है और आप बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं लगते हैं। तो मेरा टिप नंबर 8 है कि आप स्लिट कुर्ते अवॉइड करें। यस, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम स्लिट कुर्ते पहन सकते हैं बट अगर आप लंबे हैं तो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं और पतले हैं तो आप स्लिट कुर्ते बिल्कुल भी ना पहनें। स्लिट कुर्ते से आप बहुत ज़्यादा स्किनी लग सकते हैं। तो आप हमेशा कुर्ते बनवाएं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ना हो, उनमें थोड़ा सा घेर हो, जिसकी वजह से आप प्लाजो के साथ उनको कैरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेंगी और थोड़ा फुलर लुक अचीव होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पतली दुबली नहीं लगेंगी। तो आप कभी भी स्लिट कुर्ते ना पहनें। तो मेरा टिप नंबर 9 है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पतली हैं तो आप डोरी वाली ड्रेसेस पहन सकती हैं, जो डोरी वाले कुर्ते पहन सकते हैं, यानी बेल्ट वाले टॉप्स। यस, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और आपको एक बहुत अच्छा लुक देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, आप जो है बहुत ज़्यादा आपके शोल्डर ब्रॉड नहीं हैं, तो आप एक बहुत अच्छी सी बेल्ट कैरी कर सकती हैं, मार्केट से अलग से भी बेल्ट ले सकती हैं टॉप के साथ। अगर लगाएंगी आप कुछ ऐसे टॉप या ड्रेसेस खरीदें या फिर कुर्ते खरीदें जिनमें बेल्ट हो, यानी डोरी लगी हो, जिसकी वजह से आप जब उसको डोरी को बांध लेंगी तो आपको बहुत फुलर लुक अचीव होगा। तो मेरा ये लुक जिनके हैवी बस्टेड गर्ल्स हैं वो बिल्कुल भी डोरी वाली और बेल्ट वाले टॉप या कुर्ते अवॉइड करें। ये कुर्ते आप लोग अगर पहनेंगे तो और ज़्यादा हैवी लगने लगेंगे। तो स्किनी गर्ल्स को हमेशा बेल्ट और डोरी वाले कुर्ते या टॉप पहनने हैं। तो मेरा टिप नंबर 10 कि आप पहन सकती हैं रफ़ल टॉप्स। यस, आपको बहुत ज़्यादा चिपके हुए टॉप अवॉइड करने हैं। आप रफ़ल जिसमें थोड़ा सा फुलर लुक आए, थोड़ा सा रफ़ल्स ऐड हों और आपके बाजू भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रफ़ल्स हो, उसमें थोड़ा सा फुलर लुक आए आपके स्लीव्स में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है और आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दुबले पतले नहीं लगते हैं। तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा फिटेड टॉप अवॉइड करें। आप कुछ ऐसे टॉप यूज़ करें मार्केट से भी लें तो उसमें थोड़ा रफ़ल्स हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा फुलर लुक अचीव हो, आप बिल्कुल भी स्किनी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। सो मेरा टिप नंबर 11 अगेन जो उन लड़कियों के लिए है जो पहनना पसंद करती हैं जीन्स। तो
तो आपको आपको हमेशा स्लिम फिट जीन्स लेनी है, यानी कि आपको स्किनी फिट जीन्स नहीं लेनी है। एक आती है हमारी स्लिम फिट, एक आती है स्किनी, तो स्किनी आपको नहीं लेना है, वो आपकी पैरों में बहुत ज़्यादा चिपक के आती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पतले लगने लगते हैं अगर आप ऑलरेडी पतले हैं। तो आप हमेशा स्लिम फिट की जीन्स लें। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऊपर से नीचे हल्का सा खुला सा होता है, जिसकी वजह से आपके पैर बहुत ज़्यादा पतले नहीं लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक कैरी करती हैं और आप बहुत ज़्यादा दुबली पतली नहीं लगती हैं। तो ऑल माई स्लिम गर्ल्स अवॉइड स्किनी फिट जीन्स, आप हमेशा स्लिम फिट जीन्स लें। तो टिप नंबर 12 कि आप पहन सकती हैं प्लाजो पैंट। यस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो आप अगर प्लाजो पैंट कैरी करेंगी तो आपके पैर बिल्कुल भी पतले नहीं लगेंगे, आप थोड़ा हेल्दी सी लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी, और आप एक ऐसा लुक अचीव कर पाएंगी जब कभी भी आप पार्टीज़ में कहीं जाएँ तो हमेशा प्लाजो, अगर आप पार्टी में जा रही हैं तो सीक्वेंस वाले प्लाजो पहने, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपका लुक अचीव अच्छा होता है, स्किनी नहीं लगते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा प्लाजो पहनें, प्लाजो बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और आपको एक फुलर लुक देते हैं। सो टिप नंबर 13 में आप पहन सकती हैं पेपर बैग पैंट्स। ये क्या होते हैं ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो आजकल इस तरीके के बहुत ज़्यादा लेटेस्ट फैशन में है, बहुत ज़्यादा मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आपको इजीली मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती हैं। तो पेपर बैग पैंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और इनमें आपकी बेल्ट होती है, जो बेल्ट बहुत ज़्यादा आपकी डोरी टाइप की बेल्ट होती है, जब आप उसे बांधते हैं तो बहुत ज़्यादा फुलर लुक होता है, ये बहुत ज़्यादा स्लिम फिट होती हैं, आप बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं होती, बहुत ज़्यादा चूड़ीदार भी नहीं होती, ये थोड़ा प्लाजो में आती हैं स्ट्रेट फिटिंग में, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आपको एक फुलर लुक देती हैं। तो आजकल पेपर बैग पैंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप टॉप के साथ इसे कैरी करें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फिटेड टॉप ना हो, आप बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा लूज टॉप के साथ या रफल टॉप के साथ इसे कैरी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आपका होगा, आप बहुत ज़्यादा स्किनी नहीं लगेंगे। सो टिप नंबर 14 में आपको पहनना है हमेशा कुर्ता पहने या फिर टॉप पहने, तो आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में पहने, अगर आप लाइनिंग वाले पहन रही हैं तो आप बिल्कुल भी वर्टिकल लाइन में ना पहने। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हाइट उनकी छोटी है वो हमेशा वर्टिकल लाइन में ही कुर्ते या फिर टॉप खरीदें, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं तो आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में लें। आप हॉरिजॉन्टल लाइन में लेंगी तो वो आपके शोल्डर को और आपके कर्व्स को थोड़ा ब्रॉड दिखाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा फुलर लुक अचीव कर पाएंगी, बहुत ज़्यादा दुबली पतली नहीं लगेंगी। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जब भी लाइनिंग वाले कुर्ते या टॉप खरीदें तो आप हमेशा कोशिश करें कि हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही लें, हॉरिजॉन्टल लाइन में आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतली नहीं लगेंगे। सो मैं अपनी लास्ट टिप की तरफ बढ़ती हूँ जो कि है 15। तो आपको कभी भी लॉन्ग टॉप नहीं पहनना है, लॉन्ग टॉप अवॉइड करना है अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा स्किनी हैं। लॉन्ग टॉप में आप और ज़्यादा पतले लगने लगते हैं, आपके कर्व्स बिल्कुल भी उसमें पता नहीं चलते हैं, आपके शोल्डर और आपके हिप्स बहुत ज़्यादा उसमें छुप जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक फुलर लुक अचीव नहीं कर पाती हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो आपको कभी भी लॉन्ग टॉप नहीं पहनना, या तो आप कुर्ते पहने या तो आप शॉर्ट टॉप पहने, क्रॉप टॉप पहन सकती हैं, बट आपको लॉन्ग टॉप नहीं पहनना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आगे भी अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे ये वीडियोस पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और बहुत सारे लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।